कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पे एक नई सर्विस चालू हो रही है जो है बाइक रेंटल की। ये सर्विस चालू की गई है एक कंपनी कॉल्ड रॉयल ब्रदर्स से, जो ऑलरेडी बाइक रेंट्स पे देते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट की गेट नंबर 11 जो अराइवल एरिया है, उधर ये बाइक रेंटल सर्विस अवेलेबल होगी। और अगर आपको बुक करना है तो आप रॉयल ब्रदर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से टायर बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको वेरियस टू व्हीलर्स मिल सकते हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड्स, इवन स्कूटर्स भी मिल सकते हैं। एंड इवन जो राइडर्स को एक्सेसरीज लगते हैं, जो है जैकेट्स, हेलमेट, ग्लव्स, नी गार्ड्स, ये सब भी अवेलेबल होगी वहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है, टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जो बेंगलुरु एयरपोर्ट की बेंगलोर सिटी से, उसके लिए भी ये एक बूंद साबित हो सकता है। अगली खबर आती है एयर इंडिया से। एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चालू है, उसमें एयर इंडिया एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टमेंट फर्म का जो कंसोर्टियम था वो नेक्स्ट स्टेज तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। इवन पवन रुइया का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो करेंटली अभी खाली टाटा ग्रुप एंड स्पाइसजेट इस रेस में है। सो लेट्स सी अभी एयर इंडिया प्राइवेटाइज होके कौन से कंपनी के पास जाती है। मेरे ख्याल से टाटा के पास एक अपर हैंड है एंड इसीलिए एयर इंडिया की वापस वो ओनर बन सकती है। मैं इधर वापस यूज कर रहा हूँ बिकॉज जब ये एयर इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी उसके पहले वो टाटा एयरलाइंस थी एंड बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे टेक ओवर किया था। तो अगर फिर से टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया की ओनर बन जाए तो उनका एविएशन क्राउन उन्हें वापस मिल जाएगा। अगली न्यूज आती है स्पाइसजेट से। स्पाइसजेट और डी हैविलैंड का केस चालू था यूके के कोर्ट में एंड डी हैविलैंड जो कैनेडा बेस्ड एक कंपनी है वो जीत गई। एंड अभी स्पाइसजेट को डी हैविलैंड को $43 मिलियन पे करना है। तो ये केस एक्चुअली चल रहा था बिकॉज स्पाइसजेट ने प्री डिलीवरी पेमेंट्स नहीं किए थे उनके 14 Q400 एयरक्राफ्ट का एंड इसलिए डी हैविलैंड जो ये एयरक्राफ्ट बनाती है उन्होंने यूके के कोर्ट में स्पाइसजेट को सू किया था। तो अभी स्पाइसजेट को अनफॉर्चुनेटली $43 मिलियन डी हैविलैंड को पे करनी ही है। अगली खबर आती है चेन्नई एयरपोर्ट से। चेन्नई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल में एक नया बस लॉन्च फैसिलिटी लॉन्च की गई है जो पैसेंजर्स को शटल बस सर्विस से कनेक्ट करेगी। तो शटल बस सर्विस बेसिकली वही बस होते हैं जो आपको एयरपोर्ट से आपके एयरक्राफ्ट तक लेके जाता है। ये लॉन्च सर्विस सेटअप की गई है 2,500 square meters पे एंड इस लॉन्च में बहुत सारे सर्विसेस है जिनमें आता है वेटिंग एरिया, एस्केलेटर्स, ड्रिंकिंग वाटर सर्विस, रेस्ट रूम्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 3 elevators, सिक्योरिटी कैमराज एंड ओवर 300 पैसेंजर्स को ये फैसिलिटी अकोमोडेट कर सकती है। तो एक अच्छी खबर आ रही है चेन्नई एयरपोर्ट से। अगली खबर आती है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 242 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। ये अमाउंट सैंक्शन की गई है फॉर फर्स्ट फेज ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट ओनली, जिसका एरिया होगा अराउंड 270 acres। एंड ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद ATR जैसे छोटे एयरक्राफ्ट इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिन भर दिन हमें उत्तर प्रदेश से एविएशन के रिगार्डिंग बहुत न्यूज मिल रही है एंड उसी के साथ साथ आती है कि बरेली एयरपोर्ट 56 ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो उड़ान स्कीम के अंदर ऑपरेशनल हो गया है। उड़ान स्कीम, हमारे गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जो है उड़े देश का आम नागरिक एंड उसके अंडर ये बरेली एयरपोर्ट भी अभी फंक्शनल हो चुका है। तो हमें उत्तर प्रदेश से एविएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ दिख रहा है। अगली न्यूज आती है फिर से स्पाइसजेट से। स्पाइसजेट ने नए 66 डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशनल करने का सोचा है 28 मार्च 2021 से। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट रूट्स है वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए है, जो अगेन उड़ान स्कीम के अंदर आती है। एंड स्पाइसजेट हमें दिन ब दिन दिख रही है कि डोमेस्टिक नेटवर्क उनका स्ट्रॉन्ग करने के लिए उड़ान स्कीम के अंदर बहुत सारे नए फ्लाइट ऑपरेशंस वो चालू कर रही है। अगली खबर फिर से आती है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहाँ पे एक नया एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल बन चुका है। ये टर्मिनल डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कुरियर्स। ये टर्मिनल बनाया गया है 2 lakh square feet पे, जहाँ पे ग्लोबल एक्सप्रेस कुरियर ऑर्गेनाइजेशन जैसे DHL एंड FedEx ऑपरेट करेगी। इस टर्मिनल में एक डेडिकेटेड स्पेस है फॉर कस्टम ऑफिसेस एंड इतना ही नहीं, दोनों एयर साइड एंड लैंड कनेक्टिविटी भी इस टर्मिनल को दी गई है।
तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पे ऑलरेडी बहुत सारा कार्गो होता है एंड उस केओस को कम करने के लिए एक स्टेप बेंगलुरु एयरपोर्ट ने ले लिया है। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज के एविएशन न्यूज़ यही ख़त्म होती है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ही छोटी वीडियो थी, बट ये वीक के जो मेजर एविएशन न्यूज़ थे वो मैंने कवर कर लिए। अगर आपको छोटे मोटे न्यूज़ और जानने हैं तो हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हम उधर डेली अपलोड करते हैं एविएशन न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।